कैसे कर रहे हैं यार? बता दादा फिरोज खान पोता राहुल खान ही तो होगा यार। हमारी सरकार से ये सीधी सीधी दरख्वास्त है कि या तो पढ़ाई लिखाई पे लगाए बच्चों को, या तो फिर हिंज का बम्बल का प्रीमियम दिलवा दे। राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया है, राहुल गांधी क्या कर लेंगे? अगर 2200 मकान तोड़ेगा तो सरकार को पहले उनको मकान देना चाहिए था, मुआवजा देना चाहिए था। मैंने फेसबुक में लिखा था, कहने लगे मेरी सरकार आएगी तो राम मंदिर भी तोड़ दूंगा। उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर सपा के नेता ने और कांग्रेस के नेताओं ने जो जनता को गुमराह करने का काम किया है और जो जनता को बहुत बड़ा लोलीपॉप देने का जो काम किया है, अरे नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया है जो पप्पू ने 70 साल में उसका परिवार इसके दादा दादी नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में करके दिखाया। और तो अपनी गलती पर काम करना पड़ेगा, केवल एक्सेप्ट कर लेने से नहीं चलेगा, नहीं तो अगली बार और ज्यादा मुंह की खानी पड़ेगी। ये जो तोतला आपने पकड़ा हुआ है सबका साथ सबका विकास वाला, इसको बंद करो। एक ही नारा होना चाहिए, जिसका साथ उसका विकास। रिक्वेस्ट है, अगर ये मोदी जी नहीं करे एनआरसी सीए और भक्त वोट मोदी जी खत्म नहीं करेंगे, अगली बार मोदी जी भी साफ है। तीसरा कार्यकाल शुरू होगा नरेंद्र मोदी का, युवाओं को क्या उम्मीदें हैं उस कार्यकाल को लेकर? जी सर, क्या नाम है आपका? त्रिलोचन सिंह जी। कार्यकाल से ये देखिए, नौजवान सारा समय टिंडर हिंज बम्बल पर बिता रहे हैं, तो देश का विकास कैसे होगा? कैसे होगा विकास देश का जब देश का युवा ही ऐसा है? हमारी सरकार से ये सीधी सीधी दरख्वास्त है कि या तो पढ़ाई लिखाई पे लगाए बच्चों को, या तो फिर हिंज का बम्बल का प्रीमियम दिलवा दें, या तो किसी साइड तो हो बच्चे, एक तरफ यहाँ से भी फंस गए, एक तरफ यहाँ से भी फंस गए, दोनों तरफ ही रह गए। अब बच्चे करे तो करे क्या? राहुल गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि इलेक्शन जीतते ही वो हर एक युवा को टिंडर पे मैच दिलवाएंगे। हैं? हाँ, क्या मजाक कर रहे हैं? कम से कम गांधी जी ने लिखा है कि 1-1 लाख रुपए दिलवाएंगे, नहीं दिलवाए ना। उन्होंने राजस्थान में बोला था 1 करोड़ रुपए मतलब मुआवजा देंगे, नहीं दिलाया ना। राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया है, राहुल गांधी क्या कर लेंगे? हाँ, मोदी जी ने 3 बार उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी ने क्या किया, मतलब अखिलेश ने क्या किया वहाँ पर? रोजगार बढ़ा दिया उत्तर प्रदेश। हमारे भाजपा हार गई ना। हाँ, भाजपा हार गई, ये उन्होंने मतलब रीजन है इसके लिए भी लोग नाराज थे। इनका रीजन 2200 मकान तोड़े गए, वो भी मकान किसी, सुनो मकान टूटेंगे नहीं वहाँ, वो भी जो भी अयोध्या में लोग हैं वो भी भारत के नागरिक है। 2200 मकान तोड़े गए, अगर 2200 मकान तोड़े गए तो सरकार को पहले उनको मकान देना चाहिए था, मुआवजा देना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी देश में अच्छे अस्पताल बनाने की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी जी खालिस्तानी बना, खालिस्तानी पंजाबियों को कह रहे हैं, कभी उधर जाके उसको हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं, और कभी गुजरात में जाके खुद कहते हैं मैं ईद मनाता हूँ। क्या ये क्या नेगेटिव राजनीति करते जी? आप कुछ कहना? आप सुन लिए पत्रकार साहब महोदय, उत्तर प्रदेश की जनता को पप्पू ने जो जाकर बड़ा गुमराह किया है, बड़े आश्वासन दिया है, बड़े बड़े सपने दिखाया, बड़े बड़े वादे किए, युवाओं से वादे किए। अभी वीर जी कह रहे थे राहुल गांधी जी मैनिफेस्टो में लिखा था, कहने लगे मेरी सरकार आएगी तो राम मंदिर भी तोड़ दूंगा। मैं मैनिफेस्टो में लिखा था, कहने लगे सबसे पहला अधिकार भारत के मुसलमान पर, हिंदुओं का कोई अधिकार नहीं है। तो पप्पू की सरकार आ गई तो अत्याचार तो हिंदुओं के साथ होना, ये अत्याचार मुसलमान के साथ नहीं होना। दूसरी चीज़, पप्पू ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर सपा के नेता ने और कांग्रेस के नेताओं ने जो जनता को गुमराह करने का काम किया है और जो जनता को बहुत बड़ा लोलीपॉप देने का जो काम किया है, अरे पप्पू ही तो कह रहा था कटाकट 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 1 लाख रुपए खाते में आए गए, वो भोली जनता बहकावे में आ गई, क्योंकि पप्पू को पता था मेरी सरकार सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार 3री बार शपथ लेने जा रहे। और ये भारत की जनता को पता था, 40 करोड़ देशवासियों को पता था सरकार नरेंद्र मोदी की आएगी। अभी यहाँ युवा कह रहे, जो मैं कह रहा हूँ जो थोड़ी बहुत ही कमी है ये 70 साल की खाई नरेंद्र मोदी कैसे भर देते 10 साल में, जो थोड़ी बहुत ही कमी है ये इतनी गहरी खाई है। इस 3री बार नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे, ये जो कमी युवाओं की है, बेरोजगारी की है, भ्रष्टाचार की है, क्राइम की है, अब नरेंद्र मोदी शपथ लेते सबसे पहले इस समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो आज के युवा बेरोजगार है, भ्रष्टाचार है, क्राइम है, और जो माफिया है, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने, बेरोजगारी महंगाई पर। 70 आप पप्पू की बात कर रहे हैं, पप्पू राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं, लेकिन यूपी में जितना ही मुस्लिम समाज था इस बार तो इंडिया गठबंधन की तरफ गया, 1% वोट भाजपा को नहीं मिला। मेरा भारत का मुसलमान अनपढ़ता मुसलमान के ठेकेदारों ने जाकर बड़ा बहकाने का काम किया, कहने लगा अरे मोदी की सरकार सत्ता में आ गई, अगर नरेंद्र मोदी ने 400 को पार कर दिया तो भारत के मुसलमान को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, भारत के मुसलमान के साथ जुल्म किया जाएगा, अत्याचार किया जाएगा, गरीब मुसलमान को डराने का काम किया है वो भारत के मुसलमान के ठेकेदारों ने किया है।
जैसे ओवैसी साहब हो गए, जैसे पप्पू हो गया, जैसे अखिलेश जी हो गए, ये जो सारे इकट्ठे होकर इन्होंने भारत के मुसलमान को डराने का, दहशत बिठाने का जो विपक्ष ने लगातार आरोप लगाया मोदी सरकार पर कि मोदी के राज में मुसलमान जो है डरो भय के उसमें भय में जी रहा है, इसी को लेकर जो मुस्लिम समाज था वो इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ गया, तो आप कैसे कह सकते हैं? पत्रकार साहब मोदी, मैं वही तो बता रहा हूँ, सिर्फ एक डराने का काम किया है, लेकिन 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने जितना काम भारत के मुसलमान के लिए किया है, ये भारत के मुसलमान को बैठ के विशेष तौर से चिंतन करना चाहिए। हमारे लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, सबसे पहले भारत का मुसलमान शिक्षा से दूर था, नरेंद्र मोदी जी ने भारत के मुसलमान के पास शिक्षा तक पहुंचाने का काम किया है, शौचालय देने का काम किया है, भारत के अंदर 15 एम्स बनाने का काम किया है, पूरे भारत के अंदर हाईवे और फ्लाईओवर देने का काम किया है। अरे नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया है जो पप्पू ने 70 साल में उसका परिवार के दादा दादी नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में करके दिखाया। और जो थोड़ी बहुत ही कमी रह गई, जो जनता को बहकाने का काम किया है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे, जो थोड़ी बहुत ही कमी है उस कमी को हम दूर करने का काम करेंगे। इस बार हम निंदा करते हैं, चिंता करते हैं, हमारी कहीं ना कहीं कमियां रही, हम कहीं मेहनत नहीं कर पाए, जनता के पास तक नहीं पहुंच पाए और जनता की समस्या को नहीं समझ पाए, उसकी हम हाथ जोड़ के वास्तव पूर्ण रूप से हम गलती मानते हैं। और जो अगली बार जो 29 में हम 400 को इंशाल्लाह पार करेंगे, नरेंद्र मोदी को फिर लाएंगे। एक तो ना बात ऐसी है, केवल गलती मान लेने से नहीं होगा। जब आपको ये दिखता है, क्या आप अब इलेक्शन के बाद में हम एक मिनट में कह दे रहे हैं कि गलती, हालांकि मैं प्रो भाजपा ही आदमी हूँ भाई, ओपनली कह रहा हूँ, लेकिन मेरे को कहीं से ले कहीं तक आज भाजपा को क्रिटिसाइज करने में कोई आपत्ति नहीं है। जब ये बात आती है कि सर आपके जितने सोशल मीडिया चैनल हैं, आप खुद जा कर के देखिए, हर राइट विंग सोशल मीडिया चैनल की रीच कम हुई है। कैसे कम हो जाती है? आप क्यों नहीं उनको सपोर्ट कर पाए? वो एक जर्मनी के अंदर बैठा पर, ठीक है, वो वहां पर भोंक भोंक करके इस देश की जनता को भड़काता है और उसके मिलियंस के अंदर व्यूज जा रहे हैं, ठीक है, और आपके एक राइट विंग चैनल के व्यूज नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? केवल और केवल कारण ये था कि आप उस लेवल पर सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं कर पाए। और आज की डेट में मैसेज कन्वे करने का जो सबसे स्ट्रांग माध्यम है वो सोशल मीडिया है, आप क्यों नहीं स्ट्रांग हो पाए वहां पर? यहां पर आपको अपनी गलती पर काम करना पड़ेगा, केवल एक्सेप्ट कर लेने से नहीं चलेगा, नहीं तो अगली बार और ज्यादा मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरी बात, जब आपको यह दिख रहा था आपके इस देश के अंदर, आपको नहीं करना यार, मत करो डेवलपमेंट, ये जो चोचला आपने पकड़ा हुआ है सबका साथ सबका विकास वाला, इसको बंद करो। एक ही नारा होना चाहिए, जिसका साथ उसका विकास। जब बाकी पार्टियां ओपन कहती हैं कि भैया हम आएंगी तो मुस्लिम आरक्षण लाएंगी, हम आएंगी तो गऊ मांस को लीगल कर देंगे, हम आएंगे तो ये सब चीजें करेंगे, तो फिर आप खुल करके प्रो हिंदू पार्टी क्यों नहीं बन सकते? आपकी पार्टी पे विपक्ष द्वारा आरोप लगाए हैं इलेक्ट्रो बॉन्ड को लेकर, जो गाय काटने वाली संस्थाएं उनसे चंदा लिया गया है। देखिए एक बात बताता हूँ, बीफ कंपनी से चंदा लेने का आरोप है। आप मेरे को सबसे पहले तो बीफ की परिभाषा बताइए, तो आप ही बताएंगे ना, क्यों आप ही ने आरोप दिया ना अभी आरोप। मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ ना, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है ना, बोले सूंगर भी काट के बेच रहे हैं, वो हैदराबाद में जो ओवरसी बैठा ना उसके से स्पेशल भिजवाया है। विपक्ष के लगातार जो आरोप है उसी पे अब लेकर बात कर, विपक्ष की जब आप बात करते हो ना, केवल ये आरोप, उन्होंने किस लेवल का भ्रामक प्रचार इस चुनाव में किया आप ये देखिए। उन्होंने कहा मोदी आया तो तानाशाही आ जाएगी, उन्होंने कहा मोदी आया तो संविधान पलट देगा, उन्होंने कहा हम आए तो लाख रुपए टकाटक 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 खातों में डाल देंगे, उन्होंने कहा आपकी बीफ कंपनी से लेते हैं, उन्होंने कहा इलेक्ट्रोल बॉन्ड 15 लाख का वादा तो मोदी सरकार की तरफ घोटाला 15 लाख, ये सब बातें करी, एक चीज का फैक्ट 15 लाख का वादा मोदी सरकार की तरफ से था, नहीं था सबसे पहले कार्यकाल में जो एक मिनट आपके पास में एक प्रूफ है कि तो लगातार आप सोशल मीडिया की बात करना, सोशल मीडिया खोलकर देखिए ना, यही कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो चलती है पप्पू के लिए, एक मिनट राहुल गांधी के लिए सभी, एक बात है, राहुल गांधी के लिए सभी कहते हैं कि वो मशीन लाएगा सोने से, आलू से सोना बनाने वाली। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या वो राहुल गांधी का भाषण था? मोदी जी का भाषण था लगातार, एक मिनट पत्रकार मोदी, मेरे को लगता है लेफ्ट विंग चैनल हो, एक मिनट सुन लीजिए, ठीक है, एक बात बताओ मेरे को, वो भाषण था, आपको फैक्ट चेक कर लिया आपने कि वो वाला भाषण तो पप्पू का नहीं था, ठीक है, इसका फैक्ट चेक नहीं किया गया आपसे 15 लाख वाले भाषण का, क्या थी पूरी भाई, मेरे भाई आप सोशल मीडिया की बात करना, सोशल मीडिया पे जाकर देखिए, वायरल हुए ना दोनों भाषण सोशल मीडिया से वायरल हुए ना, आपने राहुल गांधी का वाला तो फैक्ट चेक कर लिया, उस पर तो आप बड़े अवेयर थे, ये मोदी वाला क्यों नहीं फैक्ट चेक कर पाए आप?
मैं तो आपकी सोशल मीडिया की बात, आपको सोशल मीडिया की बात बता रहा हूँ ना मैं आपको लगातार। आप खुद प्रचार कर रहे हो ना, अभी आपने 15 लाख का कहा ना, अभी आपने कहा ना 15 लाख का, मोदी जी का भाषण नहीं था 15 लाख वाला, पूरा भाषण मेरे को अभी भी मैं कह रहा हूँ फैक्ट के साथ में आप ये दिखा दो जिसके अंदर नरेंद्र मोदी ने ये कहा हो कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो हर बंदे के खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा, दिखा दो आप मेरे को। मैं आपको कह दूंगा आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं ना, मैं क्या दिखाऊं आप, मोदी जी ने वादा करा था बाहर से पैसा आएगा तो हर बंदे के खाते में 15 लाख मिलेंगे। आए ना लाइन पर, क्या थी पूरी बात कि अगर काला धन सारा आ जाता है तो इतना पैसा होगा कि भारत के हर नागरिक के खाते में 15 लाख आ सकता है। मैं भी यही बात कर रहा हूँ। अब इस पूरी लाइन के अंदर ये बताओ मोदी जी ने कहाँ कहाँ कि मैं आपके खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा, कहा सारा पैसा वापस आने का। उन्होंने एक आंकलन बताया कि वो अगर बाहर का काला धन यहाँ आ जाता है तो वो इतना अमाउंट है कि हर नागरिक के खाते में 15 लाख आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया कि मैं आपको 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालने वाला हूँ, ठीक है। अब आप मेरे को ये बता दो कि टका टक 1 लाख रुपया सालाना। सरकार नहीं आई तो वो भी वर्डिंग सहित बताऊंगा, जैसे अभी आपको फैक्ट चेक किया ना मोदी वाला, इसके भी वर्डिंग के सहित बताता हूँ पूरा, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ सालाना 1 लाख रुपया 8500 रुपए महीने की बात हुई है, 4 तारीख को चुनाव खत्म होंगे, 1 तारीख को 1 जुलाई को महिलाओं के खाते में पैसा आ जाए, ठीक है। ये शब्द थे उनके, 14 राज्यों में आपकी सरकार है, आप डालना शुरू करो जहाँ बने वहाँ तो दो। 14 राज्यों में आपकी सरकार है, डालना शुरू करो। क्या कहना चाहेंगे आप, अभी आप कुछ कह रहे थे आप सीटों को लेकर। मैं बताता हूँ ना, टका टक सुनके बड़े जोश में आए थे कि मैं जवाब दूंगा, सरकार तो बनी नहीं पर दे नहीं पाए। खैर छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है, आए तो बड़े जोश में थे। अब आप बताओ ये हो गया 15 लाख वाला जवाब आपको मिल गया, अब और कोई सवाल रह गया आपका। बात इसकी चल रही है जो राहुल गांधी ने जो इस बार जो 2014 के चुनाव की जो हुंकार भरी थी तो बेरोजगारी महंगाई को लेकर भरी थी, लेकिन अब जो तीसरे कार्यकाल की शपथ लेंगे मोदी जी तो क्या उम्मीदें हैं लोगों को उनसे। उम्मीदें भैया ऐसा है मोदी जी, उम्मीदें गई बाढ़ में, सीधी सी बात है, हम आपके कट्टर कार्यकर्ता रहे हैं लेकिन आज हम भी खुल के कह रहे हैं अगर आप प्रो सनातनी पार्टी बन के काम करोगे, प्रो हिंदू पार्टी, बिल्कुल कट्टर हिंदू पार्टी, एक तरफा पार्टी बन के काम करोगे तब तो आप आगे आपका और भविष्य नहीं तो नहीं है जी। आप नहीं चाहिए और कुछ क्या कहना चाहूँगा मैं तो, देखो राहुल खान साहब को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, तुम्हारे बाप दादाओं ने बहुत सताया है, अब तुम मत सताओ हमें, जीने दो थोड़ा। विपक्ष तो मजबूत है इस बार, कौन विपक्ष तो बहुत मजबूत है। अरे सर इतने आंकड़े मिल के मजबूत है, क्या हुआ, ये तो हारने के गम में भी दारू पी रहे हैं। नहीं लगातार उम्मीद लगाए बैठेंगे नीतीश कुमार और नायडू जी साथ में आएंगे, इंडिया सरकार बनेगी। कुछ भी नहीं, अब क्यों नहीं गए, फिर गए क्यों नहीं, वो कहना ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी सरकार ये वाली एनडीए की, ये तो पता नहीं। पहले तो ठीक है, इनके बाद हम सारी मान लेंगे, पहले खटाखट मैंने बाइक निकाली है इनके चक्कर में। राहुल खान जी भाई सरकार आई कब, खटाखट कैसे लोग जिन राज्य में उन राज्य में तो दो, सरकार तो केंद्र में है, केंद्र की बात करिए ना, केंद्र में आएगी तभी तो खटाखट मिलते हैं, क्या राज्य की बात करिए, क्या बात कर रहे हो दादा, हार जाएंगे उसके बाद भी खटाखट देंगे। अच्छा ये मतलब केंद्र, जब केंद्र में आएगा ये तो आधा किसी और को दे देंगे, अब किसको देंगे पूछो, खान की राजनीति वाली पार्टी है नहीं है, बताओ राहुल खान कैसे कर रहे हैं यार, बता दादा फिरोज खान पोता राहुल खान ही तो होगा यार। मुझे आप ये बताएं कि राज्य गवर्नमेंट की उनकी राज्य गवर्नमेंट जितनी यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है लेकिन केंद्र में केंद्र सरकार जब उनकी आती है, केंद्र में जब सरकार आती है उनकी तभी तो खटाखट मिलते 8500। सर जहाँ है वहाँ तो दो, वहाँ तो तुम्हारी चल रही है, केंद्र में नहीं है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, 1 करोड़ भक्त वोट को देने के लिए इनका बजट है, पर लेकिन जो खटाखट वाले उस पर बात नहीं करेंगे। तो मुझे लग रहा दिलवा कर ही छोड़ेंगे जो राज्य गवर्नमेंट को। मैं राहुल खान को उदिन वोट करूंगा जितने भक्त वोट खत्म कर देगा। इसने हम हिंदुओं की आस्था पे ठेस करी है, आज अभी सभी बंधु को पता नहीं, हिंदू भाई को आपने मुस्लिम भक्त वोट वो लो अलग से बनाया, भक्त वोट प्रोपेक्टी बनाए, आज हमारे हिंदुस्तान में 72% भक्त वोट के पास में हमारे पास है क्या, और वो कानून ऐसा है कि उनने आज बोल दिया ये घर हमारा तो हमें छोड़ना पड़ेगा, ना हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, मतलब सर संविधान के तुमने ऐसी तैसी पहले से मरवा रखी है, आज लोगों को तुम ज्ञान दे रहे हो कि मतलब सब मोदी आएगा तो संविधान खतरे में कर देगा। लगातार राहुल गांधी ने हमला किया है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भाजपा सरकार आएगा मतलब बहुमत से, फुल बहुमत से आएगी अपनी, ये लोकतंत्र की बात करेंगे। 42वां संविधान संशोधन क्या था, वो 1962 वाली कहानी दोबारा, जो मोदी जी पे मंगलसूत्र वाली जो बात बोले थे ना,
अभी लोगों को पता नहीं है 1962 में क्या हुआ था। 1962 में यही हुआ था जब देश पे आपत्ति आई। क्या बोला था, कपड़े इनके धुलने विदेश जा रहे थे, सिगरेट इनकी विदेश से आ रही थी, और लोगों को क्या बोला, हमारा देश डूब रहा है और जितने भी मंगलसूत्र गहने हैं सब गरीबों के पास यहाँ यहाँ जमा करवा दो। बोली वाली जनता थी, उनने जमा करवा दी, वो वापस क्यों नहीं करी इनने, ना देश तरीके पे गया और दूसरों के मंगलसूत्र और तुमने रख लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नारा दिया था, पुकारती 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 माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती, शायद इसकी आवश्यकता दोबारा आन पड़ी है। जी भाई बात पूरी करिए, क्या कर रहे हैं, बात पूरी कर, मैं बोल दिया हूँ, मैं कुछ कहना चाह रहा था अभी। मैं क्या बोल, बोलो पूछो तुम, आप पूछो। नहीं अभी आपकी बात रह गई, भाई बोल गए थे, बताइए। मैं तो बोल ही दिया हूँ। नहीं कुछ कह रहे थे अभी आपके, कहाँ पर थी बात, वही चल रही थी, सीटों को लेकर चल रही थी लगभग, जो आप सनातनी की वोट की बात कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल खत्म होना चाहिए सर। मैं तो मोदी, अगर इस बार मोदी जी नहीं करेंगे तो अगली बार मोदी जी को भी सपा चट कर देंगे हम। बिल्कुल मोदी से भी रिक्वेस्ट है, अगर ये मोदी जी नहीं करें NRC CA और भक्त वोट मोदी जी खत्म नहीं करेंगे, अगली बार मोदी जी भी साफ है। एक देश एक कानून, एक देश एक कानून। अगर जेपी नड्डा जी के दिमाग में एक गलत फहमी हो, वैसे तो निकल गई होगी अब की बार कि RSS के बिना आपका कुछ भी बन सकता है। कह रहे थे ना, RSS के बिना चुनाव लड़ने में सक्षम है, देख लिया कितने सक्षम हो। और RSS अगर आपको पैदा कर सकता है तो आप जैसे और बहुत पैदा कर सकता है, हमारे पास बहुत हैं। लेकिन ये नड्डा जी का जो बयान था, ये वाला RSS के बिना वाला, इसकी वजह से अयोध्या में नुकसान पहुंचा है, ये बात सही है? सच है, ना केवल अयोध्या में बल्कि पूरे भारत में। आप राजस्थान में चुनाव क्यों आ रहे? अच्छा, मैं राजस्थान से, एक मिनट, ये बोलते थे एक वहाँ पे कोई, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी कोई नेता, मैं भूल गया, वो बोले इंशाअल्लाह आपके मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। इसका मतलब अल्लाह की नहीं चली वहाँ पर क्या? एक भी सीट नहीं आई वहाँ पर तो। अच्छा ये कह रहे थे राम की, अल्लाह की नहीं चली, तो इसका मतलब वहाँ पे अल्लाह की नहीं चली, अयोध्या में राम की नहीं चली, वहाँ पे अल्लाह की नहीं चली, यही मानते हो ना? तो सर ये मुतमें ये जो बातें बोल रहे हैं, अगर ऐसी बातें निकालोगे तो कई बातें निकालेंगे। सवाल वही अभी अयोध्या वाला, राजस्थान में आप चुनाव कैसे आ रहे? राजस्थान में आपके चुनाव हारने के 3 कारण हैं। पहला, आप जातिगत समीकरण नहीं बिठा पाए। दूसरा, आपके कार्यकर्ता फील्ड पर नहीं थे। तीसरा और जो सबसे बड़ा कारण कि आपके पास कार्यकर्ता वहाँ पर कम है ऑलरेडी। आप ये बताइए कि वहाँ पर राजस्थान के अंदर आपका प्रचार करने के लिए अगर कोई निकलता है वो तो स्वयंसेवक हैं। आप मेरे को एक दायित्ववान व्यक्ति बता देना राजस्थान का, स्वयंसेवक, कोई प्रचारक महोदय हों, कोई और हों, ठीक है, जो फील्ड पर उतरे हों इस चुनाव में। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये ठाकुरों ने, जो राजपूतों ने, इसकी वजह से ही बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा। मैंने कहा ना अभी आपको जातिगत समीकरण ये नहीं बिठा पाए। सुखदेव सिंह गोगामेडी के कांड के बाद में वहाँ का राजपूत समाज आपके खिलाफ हुआ, आप उसको नहीं समझो पाए। उसके बाद में फिर आपने जब भजनलाल जी को CM बनाया, वसुंधरा को आपने साइडलाइन किया, भजनलाल जी को आपने CM बनाया, भजनलाल वो चेहरा ही नहीं था जिसकी राजस्थान, जो राजस्थान को चाहिए हो। राजनीतिक करियर उनका नया नया, कोई उसकी पहचान नहीं राजस्थान के अंदर, आपने उनको उठा करके CM बना दिया। क्यों नहीं बनाया आपने बाबा बालकनाथ को, इतनी डिमांड थी उनकी। राजस्थान बाबा बालकनाथ मांग रहा था, आप क्यों नहीं दे पाए जीतने के बावजूद भी? वो अपना सांसद पद छोड़ के वो आदमी MLA के चुनाव लड़ा, किस लिए लड़ा था? कि यही पता था कि राजस्थान की पूरी जनता बाबा बालकनाथ को CM मांग रही है, आप क्यों नहीं बना पाए उनको? आप एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स करने में लगे हुए हैं कि भैया हमने यहाँ पर नया चेहरा बना दिया, MP में नया चेहरा बना दिया, जी पे भी उत्तर प्रदेश में खतरा मंडरा रहा है इस बार योगी जी के, अभी वहाँ पर भी तो ये एक्सपेरिमेंट, योगी जी पर खैर कोई खतरा नहीं है, जनता उनके साथ में बहुत भयंकर तरीके से, ये बात क्या है, पार्टी कमेटी को भी पता है, ठीक है, तो उनको वो साइडलाइन करने की हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन बात क्या है, अब आप ये देखो कि आप एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स कर रहे थे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे आप पॉलिटिक्स में, आपने यहाँ पर UP के अंदर नए चेहरे दिए, ठीक है, आपने राजस्थान का नया चेहरा CM बना दिया, MP में नया चेहरा, जिसमें आपको 2 जगह पर मूंगी खानी पड़ी, तो आई गेस आप इससे सीख करके आगे इस एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स से हट करके जो अपने अनुभवशाली लोग हैं उनको ही आगे लेकर के चलने का काम करें तो ज़्यादा उचित होगा, और अपने बयानों पर थोड़ा कंट्रोल बहुत आवश्यक है। धन्यवाद आपका। तो देखा, इनका कहना है कि जो नुकसान इस बार जो उत्तर प्रदेश में पहुंचा है भाजपा को, वो JP नड्डा के बयान से कहीं ना कहीं देखने को मिला है। मैं अपने सहयोगी गोविंद के साथ, फराज खान, द न्यूज़ 15।